हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है, लेट नाइट फीलिंग्स क्या है, तो वही हम यहाँ से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज, अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी आपकी पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स, जिनके बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले फाइव ऑफ वॉन्स है एरीज लियो सैजिटेरियस, नाइन ऑफ वॉन्स एरीज लियो सैजिटेरियस, व्हील ऑफ फॉर्चून साइन में आपको बताती हूँ। पहले मैं कार्ड्स देख लेती हूँ। नाइन ऑफ कप्स है यहाँ पर, द लवर्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्स एंड द चैरियट एनर्जी। देखिए यहाँ पर जेमिनी मिथुन राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर कर्क राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कर्क मीनो वृश्चिक राशि, ये साइन मुझे स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। लियो सिंह राशि, टॉरस वृषभ राशि और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, जेमिनी एंड कैंसर, मिथुन राशि और कर्क राशि, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई देते हैं ये वाले साइन, ठीक है। नंबर फाइव, नाइन, टेन, सेवन और सिक्स, ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। नाइन्थ सितंबर आपकी, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर सेवेंथ जुलाई हो सकती है, ठीक है, या फिफ्थ मई हो सकती है, ओके। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नंबर्स भी यही है, नाइन, फाइव, सेवन, बहुत स्ट्रांगली है, ओके। लेट्स सी, सबसे पहले फाइव ऑफ वॉन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। फाइव ऑफ वॉन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में शायद किसी तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, किसी तरीके का कोई मनमुटाव हुआ है। आपके पर्सन इस मनमुटाव के बाद में बहुत बेचैन है, ठीक है। या तो इनका आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, मनमुटाव हुआ, या फिर किसी के साथ तो आज इनका कोई लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा हुआ है, जिसके कारण इनका मन शांत नहीं है। इनका ना तो मन शांत है और ना ही इनका दिमाग शांत है। राइट नाउ ये बहुत बेचैन है, इनके दिमाग में वो चीज़ें बहुत घूम रही हैं आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड, ठीक है। जो भी आर्ग्यूमेंट हुआ है ना, या तो आपके साथ हुआ या किसी और के साथ हो, बट वो चीज़ें बहुत घूम रही है, इनको चैन नहीं पड़ रहा है, ओके। तो ये एक बेचैनी सी महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। नाइन ऑफ वॉन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्स। अच्छा, ये वेट भी कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप इनको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, या आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि ये वेटिंग पे है, ये वेट कर रहे हैं कॉल मैसेज का, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और बहुत परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आपने उस आर्ग्यूमेंट के बाद इनको कोई कॉल मैसेज नहीं किया, और ये इंतज़ार में है कि आपकी तरफ से आए, बिकॉज़ इनके ईगो को भी तो कुछ सेटिस्फाई करे। अगर आपकी तरफ से कॉल मैसेज आ जाए तो इनका ईगो सेटिस्फाई हो जाए। तो ये अभी करंटली ये सोच रहे हैं राइट नाउ कि क्या आपका कॉल मैसेज आएगा, क्या आप कॉल मैसेज करोगे या नहीं करोगे। तो ये भी अभी इनके दिमाग में बहुत स्ट्रांगली चल रहा है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसे भी सवाल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा सरदर्दी इनके लिए हो गई है, क्योंकि नाइन ऑफ वॉन्स लाइक समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ठीक है। क्यों ये चाहते हैं आपसे कॉल मैसेज, चाहते भी इसीलिए हैं क्योंकि अभी आपके अलावा इनको कोई और दिख भी नहीं रहा अपनी लाइफ में, आपके अलावा कोई और है भी नहीं जिनसे इनको सपोर्ट मिल सके, ठीक है।
द व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर फाइव ऑफ वॉन्स है, आपकी पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्यों हुआ हमारे बीच में झगड़ा, नहीं होना चाहिए था, वक्त ही बुरा चल रहा है, मेरी किस्मत ही ख़राब है, सबसे झगड़े हो रहे हैं, सबसे लड़ाई हो रही है, किसी से भी बात बन नहीं पा रही है, कुछ तो हुआ है भाई, ठीक है, कुछ ऐसा या तो किसी और के साथ इनका आर्ग्यूमेंट हुआ या आपके साथ बहुत बुरा वाले लड़ाई हुई है कुछ, क्योंकि यहाँ पर दिखाई देता है कि वो किस्मत को कोस रहे हैं, समय को कोस रहे हैं कि समय ही ख़राब है, किस्मत ही ख़राब है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, बस लड़ाई झगड़े हुए जा रहे हैं, कुछ कुछ बेहतरीन हो ही नहीं रहा है, तो इस तरीके के विचार भी अभी है इनके, परेशान है ये मुझे सा दिखाई दे रहा है, इनका मन जो है बहुत चिड़चिड़ा सा भी हो रखा है राइट नाउ, एंड ये वक्त को और किस्मत को भी कोस रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये भी सोच रहे हैं क्या ये होने के बाद में अब चीज़ें आगे जाके अच्छी हो सकती हैं क्या, या फिर अब सब कुछ ख़राब कर दिया है, तो ये भी इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो हाँ कुछ तो हुआ है ऐसा, क्योंकि फाइव ऑफ वॉन्स दो दो बार आया है तो झगड़ा तो मुझे दिख रहा है कंडीशंस। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ कप्स को नाइन ऑफ कप्स ही क्लैरिफाई कर रहा है और द हाई प्रिस्टेस। देखिए आपके पर्सन ना आपके साथ कुछ इमेजिन कर रहे हैं, मैं कहूँगी पहली चीज तो आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप उनकी लाइफ के कैसे पर्सन हो जो कि उनकी लाइफ को फुलफ़िल करता है, या फिर प्यार से रिलेटेड विश आप ही उनकी पूरी करते हो, एंड वो आपके साथ काफ़ी रोमांटिक चीज़ों को विजुअलाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एंड उनको विजुअलाइज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। राइट नाउ काफ़ी रोमांटिक विजुअलाइजेशन चल रही है, या फिर अगर आप दोनों ने कुछ रोमांटिक टाइम स्पेंड किया तो ये उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, या विजुअलाइज मीन्स याद कर रहे हैं, या मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी प्लानिंग हुई होगी, कुछ ऐसी बात हुई होगी तो उसको विजुअलाइज कर रहे हैं। बहुत सीक्रेट डिज़ायर्स भी ये पर्सन आपके लिए रखते हैं, मतलब कि बहुत कुछ रोमेंटिकली दबा करके छुपा करके अपने अंदर रखते हैं, जिन्हें ये बताते नहीं है, बट बहुत रोमेंटिकली डिज़ायर है आपको लेकर के, ठीक है। द लवर्स एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आपके पर्सन आपके लिए क्रेव कर रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी और यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए द लवर्स विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन इस रिश्ते की वैल्यू को भी जानते हैं और सच्चा प्यार क्या होता है उसको भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये भी मालूम है कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो, लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, तो वो इस रिश्ते की वैल्यू को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बट किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है, मतलब एक तो ये बताते हैं कि वो एनालाइज कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं इस कनेक्शन को, आपके प्यार को, बट किंग ऑफ सोर्ड्स साथ के साथ ये भी बताते हैं कि वो सब अंदर रख के बैठे हैं, बाहर एक्सप्रेस नहीं करते। मुझे लग रहा है कि सोचते सब कुछ है, ऑब्जर्व सब कुछ करते हैं, सही गलत एवरीथिंग, बट ये एक्सप्रेस नहीं करते, एक्सप्रेस करके नहीं बताते कि एग्जैक्ट क्या चल रहा है, बट हाँ मुझे ज़रूर दिखाई देते कि ये कहीं ना कहीं अपने अंदर बहुत सारी फीलिंग्स को होल्ड करके बैठे हैं आपके लिए, ठीक है। और टू ऑफ पेंटिकल है, समझ नहीं आ रहा है कि फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूं कि ना करूं, ठीक है। अदरवाइज बहुत डीपली एनालाइज कर रहे हैं इस कनेक्शन को। फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फाइव ऑफ सोर्ड्स को टेन ऑफ वॉन्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है आर्ग्यूमेंट में ना, इस आर्ग्यूमेंट को जीतने के लिए मुझे लगता है आपके पर्सन ने पता नहीं क्या क्या बोला है या क्या क्या किया है, बट ऐसा नज़र आता है कि इनको ना हमेशा एक जीत का वो रहता है कि जीतना है करके, ठीक है। और मुझे ये भी दिखाई देता है कि किसी के बहकावे में भी ये पर्सन आए थे, ओके, किसी और की बातें भी इनके ऊपर हावी थी, बट अब उन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी बर्डन एंड खुद को रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने हाथों से चल के क्या कर दिया, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अभी इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, जो करना था वो कर दिया इन्होंने ताव ताव में या बहुत एग्रेशन में, बहुत गुस्से में, लेकिन अभी उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब ये उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, ओके। तो काफ़ी
बर्डन ले रहे हैं खुद के ऊपर जो हुआ आप दोनों के बीच में उसको लेकर के, ओके। एंड एट ऑफ सोर्ड्स लाइक यू नो बहुत दिमाग में वही चीज़ें घूम रही हैं और अपने आप को बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। एक हैवी बर्डन उनको महसूस हो रहा है। सेवन ऑफ वंड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ वंड्स को एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए आपके पर्सन, मुझे लगता है आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, ओके। और न्यू बिगिनिंग का कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और एक स्टेबिलिटी भी चाहते हैं इस रिश्ते में, बट अभी ये सब कैसे पॉसिबल होगा इसी के बारे में सोच रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि बहुत दिक्कत आएगी अब स्टेबल होने में। सेकेंड ऑफ ऑल मुझे लगता है आपने शायद इनको फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प की है, ये भी मुझे दिखाई देता है। और अब आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि उसने मुझे फाइनेंशियली इतना हेल्प किया जितना कोई और नहीं कर सकता, उनके वो भी उनके बहुत बुरे टाइम में, उनके स्ट्रगल वाले टाइम में, तो उनको वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा याद आ रही कि अब क्या होगा। बट हाँ एक चीज़ और है, ये पर्सन ब्लेम भी करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, हर चीज़ का ब्लेम आपके ऊपर भी डाल देते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी किया इन्होंने बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के किया और अभी जो है ये बहुत सोच रहे हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में कि अब क्या होगा, ठीक है। अभी ये चाहते हैं कि सब भूल के हम एक शुरुआत करें, मतलब ऐसा कुछ, ठीक है। द चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर एस ऑफ वंड, यस, और यहाँ पर एस ऑफ सोर्स, तो तीन तीन एसेस के कार्ड आ गए जो कि न्यू बिगिनिंग को क्लियरली बता भी रहे हैं। चैरियट है, एस ऑफ वंड है, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है, कुछ लोगों के लिए, मैं सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, बट कुछ के लिए दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है विद इन अ वीक आपकी तरफ एक्शन ले लेंगे, ठीक है। उनकी तरफ से एक्शन आ सकता है विद इन अ वीक, ऑल राइट, ये मुझे दिखाई देता है। देखिए आपके पर्सन ना आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और वो आपकी तरफ एक्शन लेना भी चाहते हैं, जो कि मैं यहाँ पर देख भी रही हूँ कि एक हफ्ते में वो आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, बहुत हद तक के चांसेस हैं, ओके। तो वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि उनको उनके उनकी ना अट्रैक्शन बढ़ रही है आपकी तरफ, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स एक क्लियरिटी लेकर के आना चाहते हैं इस रिश्ते में और आप दोनों के बीच में, ठीक है। यहां से भी देखेंगे कुछ मैसेजेस आपके लिए, और क्या मैसेजेस हैं और क्या लेट नाइट थॉट्स हैं आपके पर्सन के आपके लिए। सबसे पहले आई ऑलवेज न्यू यू, वी आर माय अदर हाफ, आई टॉक टू यू अलॉट इन माय हेड, I still have your pictures on my phone. I'm tired of crying and hurting over you. I want to marry you one day. I do talk about you. You make me feel things I have never felt before. I'm deeply sorry that I walked away from you. चलिए ये messages हैं, इनको ऐसा लगता है बहुत strongly कि आप उनके other half हो। ऐसा क्यों लगता है इस पर्सन को स्ट्रांगली, ऐसा क्यों लग रहा है राइट नाउ? द डेविल एनर्जी है एंड यहाँ पर पेज ऑफ कॉइंस भी है। इंटरेस्टिंग, डेविल। एक्चुअली आपके पर्सन को ना बस लगता है, आप ये कह लो क्यों लगता है, वो इसलिए लगता है क्योंकि इनकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज रही है ना, जितने भी नेगेटिव रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने उसको भी माफ़ किया है, आपने इनकी हर नेगेटिविटी को एक्सेप्ट किया है, हर बुरी आदतों को आपने माफ़ किया, हर बुरी आदतों को आपने भुलाया है, इसलिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके अदर हाफ हो, इसीलिए आप इतना कर रहे हो उनके लिए। अगर नहीं होते तो जैसे और छोड़ के चले गए वैसे ही छोड़ के चले जाते। इतने टॉक्सिक पर्सन को कोई नहीं झेलता, ये पर्सन खुद इस बात को जान रहे हैं, ठीक है, उनको खुद को ऐसा लगता है।
ये अपने दिमाग में आपसे रिलेटेड बहुत सारी बातें करते, क्या बातें करते हैं, क्या चलता है इनके दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए। थ्री ऑफ कप्स है, ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। तो ये इनके दिमाग में विजुअलाइजेशन चलता है आपके साथ मीटिंग का, आपके साथ घूमने फिरने का, आपके साथ सेलिब्रेट करने का चीज़ों को, आपके साथ लाइफ को जीना, ये इनके दिमाग में बहुत चलता है आपसे रिलेटेड। आपकी पिक्चर्स इनके फ़ोन में हैं, लेट्स सी ये क्या कहना चाहते हैं इस मैसेज के थ्रू। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माय फोन। यहाँ पर द सन है, आप इन्हें खूबसूरत बहुत लगते हो, ठीक है, आपकी पिक्चर्स से देखते हैं तो इनको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है और बहुत होप्स मिलती हैं। आपका ऑरा इनको बहुत अट्रैक्ट करता है, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, तो आपकी फ़ोटोज़ देख के भी इनको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। और ये सन कार्ड ये भी बताते हैं कि वो आपको बहुत मिस करते हैं, तो जब भी वो आपको मिस करते हैं तो आपके पिक्चर्स देख लेते हैं जो कि ऑलरेडी उनके फ़ोन में सेव है। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू, आपको अब और मतलब ये थक गए हैं आपको रुला के हर्ट करके, अब और हर्ट करना नहीं चाहते और रुलाना नहीं चाहते। प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए इस मैसेज को यूनिवर्स। यहाँ पर है टेम्परेंस की एनर्जी। देखिए आपने हमेशा ना इनसे पीसफुली डील किया, आपने बहुत शांत मन से इनसे डील किया, बहुत अच्छे से डील किया, कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया उनको, हमेशा रिस्पेक्ट दिया है। अभी आपके पर्सन ना उसको समझ रहे हैं कि यू नो यार उसने इतना कुछ मेरा बुरा देखा, इतना कुछ मेरा बुरा झेला है, लाइक यू नो इनको खुद को इस चीज़ का समझ में आ रहा है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, ठीक है। तो या आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, इस मैसेज को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है सिक्स ऑफ कप्स, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ अलग ही खास रिश्ता है और वो आपसे शादी करेंगे एक दिन, और अगर आपसे शादी की तो बहुत हैप्पी रहेंगे। यू नो उनको एक डीप कनेक्शन फील हो रहा है आपके साथ, ठीक है, कुछ पास्ट लाइफ जैसा फील हो रहा है उनको ना, ऐसा लग रहा है कि वो आपसे अभी नहीं मिले, वो बहुत पहले से जैसे आपको जानते हैं। आई डू टॉक अबाउट यू, ये क्या बातें करते हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में यूनिवर्स। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टिज एनर्जी, ओके। एक्चुअली मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको एक बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी के तौर पर देखते हैं। मुझे लगता है आप फाइनेंशली इंडिपेंडेंट हो और बहुत स्ट्रांग हो अपने करियर में, फाइनेंशली भी बहुत स्ट्रांग हो, तो आई फील कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के तौर पर वो आपको देखते हैं और उनको ऐसा वो ऐसी बातें करते हैं कि वो जो भी है आज वो आपके कारण है, आपकी वजह से है, बिकॉज आपका सपोर्ट उनको मिला, ठीक है। और दूसरा उनका ये भी है कि मैं कभी कभी उसको समझ नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाती हूँ, क्योंकि कभी तो बहुत इमोशनल होती है या कभी वो बहुत प्रैक्टिकल होती है या होता है, ठीक है। थोड़े मिस्ट्री टाइप हो आप उनके लिए, थोड़े मिस्ट्री जैसे हो आप उनके लिए कि उनको कभी कभी आप समझ में नहीं आते हो। टू मेक यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। एरो वॉन्स, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन तो है आपकी तरफ, क्योंकि यहाँ पर मैसेज ये है कि जैसा वो आपके साथ रह कर के फील करते हैं ना, वैसा किसी और के लिए उन्होंने आज तक फील नहीं किया और ना कर पाते हैं। तो कुछ स्ट्रांगली है कि वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, उन्हें भी नहीं पता क्यों आपकी तरफ खींचे चले आते, बट उनका ये है कि जो फीलिंग्स आपके लिए है या जो आपके लिए वो एग्जैक्टली फील करते हैं, किसी और के लिए वो फील नहीं कर पा रहे हैं। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू, ये डीपली सॉरी फील कर रहे हैं कि आपको छोड़ करके गए, ठीक है। प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स इस मैसेज को। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, बिल्कुल यहाँ पर टेन ऑफ कप्स भी है। उनको आपका प्यार याद आ रहा है, उनको याद आ रहा है आपके इनोसेंस, उनको याद आ रहा है कि आप कितना उनको प्यार कर रहे थे, आप उनके लिए कितना इमोशनल हुआ करते थे। तो बिल्कुल ये सॉरी फील कर रहे हैं क्योंकि इनको भी आपके प्यार की बहुत याद आ रही है। सो नाउ यस,
मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं गाइस, ठीक है। आपके पर्सन आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं और आपकी आपने उनके लिए क्या कुछ किया उसको भी, वो भी उनके दिमाग में है, उनको मतलब याद आ रहा है कि आपने उनके लिए कितना कुछ किया था, वो भी उनको याद आ रहा है। ओके सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।